हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। डॉक्टर आदित्य पाल इज़ हेयर। बच्चों, आज आपके बीच पेडियाट्रिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आप सभी से इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टेटस डाला था, तो आप सभी ने गाइड किया कि सबसे ज़्यादा वोट्स पड़े थे पेडियाट्रिक्स को, तो फिर पेडियाट्रिक्स पर ही वीडियो बनाने का अपना मोटिव था। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ थायराइड डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज थायराइड डिसजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि जो मोस्ट कॉमन, सबसे महत्वपूर्ण कॉज जो है, सबसे कॉमन कॉज जो है वो कॉन्जेनाइटल हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, तो उसे थायराइड डिसजेनेसिस ही कहेंगे। इट हैज़ ए प्रीवलेंस ऑफ 1 in 3000 इन्फेंट्स। ओके, दैट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बच्चों। मोस्ट कॉमन एनोमलीज एसोसिएटेड विद कॉन्जेनाइटल हाइपरथायरॉयडिज्म इज कार्डियक। सबसे कॉमन एनोमलीज एसोसिएटेड विद कॉन्जेनाइटल हाइपरथायरॉयडिज्म कॉल कार्डियक। कार्डियक मीन्स हृदय, दिल। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की। एक्सरे फीचर्स ऑफ द फॉर्मर इंक्लूड। इसमें क्या होगा? इसमें बताया है बच्चों, एब्सेंस ऑफ फीमल एपिफाइजिस एट बर्थ। जो फीमोरल एपिफाइजिस होगा बर्थ के टाइम, वो एब्सेंस हो जाएगा। एंड पंचुएट एपिथेलियल डिसजेनेसिस। इसमें क्या होगा? जो एपिथेलियल डिसजेनेसिस होगा वो पंचुएट हो जाएगा। ब्रेकिंग ऑफ 12th थोरेसिक एंड फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा। मींस बीकिंग, बीकिंग, सॉरी ब्रेकिंग नहीं है, बीकिंग है, बीकिंग। के चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द टू टाइप्स ऑफ क्रिटिनिज्म आर न्यूरोलॉजिकल एंड मिक्सी डिमेटस। ओके बच्चों, समझ आया? चलो आगे अगले पॉइंट पे आते हैं। डिसेलरेशन ऑफ ग्रोथ एंड गोइटर आर यूजुअली द फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन चिल्ड्रन हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, यंगर चिल्ड्रन में प्रेजेंट विद ग्लैकेटोरिया और स्यूडो प्रीकोशियस प्यूबर्टी। ठीक है बच्चों, यंगर चिल्ड्रन में प्रेजेंट होती है ग्लैकेटोरिया, और जिसको स्यूडो प्रीकोशियस प्यूबर्टी भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूराइड गोइटर इन द वर्ल्ड इज हैशिमोटोज डिजीज। सबसे कॉमन कॉज जो हमारा एक्वायर्ड होता है गोइटर इन द वर्ल्ड, उसे बोलते हैं हैशिमोटोज डिजीज। सुना होगा आपने हैशिमोटोज डिजीज, अब लग गया पता ना। चलो, एबनॉर्मल लैब फाइंडिंग्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म आर हाइपोनेट्रीमिया, मैक्रो साइटिक एनीमिया, हाइपर क्लोस्टीरोलीमिया एंड एलिवेटेड सीपे के। एबनॉर्मल लैब फाइंडिंग मीन्स जो नॉर्मल वैल्यू नहीं आएगी उसकी लैब में, जो अगर हम चेक करते हैं फाइंडिंग इन हाइपरथायरॉयडिज्म को, और को
को अगर हम चेक करते हैं और हाइपोनेट्रेमिया को अगर हम चेक करते हैं तो उसकी नॉर्मल वैल्यू नहीं आती है लैब फाइंडिंग में, इन सब की नॉर्मल वैल्यू नहीं आती। ओके, अब आएगा अर्लीस्ट साइंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन आर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एकॉम्पेंड बाय मोटर हाइपर एस एक्टिविटी। अर्लियर रीजन, अर्लियर पुराने पुराने रीजन, पुराने कुछ साइंस है जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन आर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होता है एकॉम्पेंड बाय मोटर ऑफ मोटर हाइपर एक्टिविटी। ठीक है जी, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग ग्रेव डिजीज इन चिल्ड्रन उसको कहते हैं, उसमें चलेगा मेथिमाजोल। कौन सी ड्रग यूज होगी ट्रीटिंग ऑफ ग्रेव डिजीज में बच्चों में, उसका नाम है मेथिमाजोल। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर, वीडियो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं नई नई वीडियोस जल्दी से अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बाय।